तुम मत रहिए उदास क्योंकि अब आगे इतिहास इंग्लिश पे डाटा लेकर और आपका स्वागत स्वैश से करते हैं। आज का जो प्रोनाउंसिएशन है ये बोल चाल में हर जगह इसका यूज होता है और उसका नाम है देयर। तो देयर का आज यूज सीखेंगे, देयर देयर का एडवांस यूज, ये हर जगह आपको काम देगा। ठीक है, न्यूज पेपर में, कोई स्टोरी में, है ना, स्पोकन में, हर जगह ही आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो बढ़िया से देखा जाए आज देयर का यूज। तो देखेंगे देयर सीम्स टू बी, ऐसा अगर कोई स्ट्रक्चर अगर रहेगा तो उसका मीनिंग क्या होता है, लगता है। सिम्स का मतलब होता है क्या, लगता है, मालूम पड़ता है, प्रतीत होता है। ठीक है, तो देयर के साथ अगर इसका यूज करेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसका मीनिंग क्या होगा उसको देखा जाए बढ़िया से। देखिए देयर सिम्स टू बी नो वन इन दिस रूम, लगता है कि इस घर में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बात आप कहीं बोल सकते हैं, कुछ भी बनाकर बोल सकते हैं। देयर सीम्स टू बी नोबडी इन दैट हाउस इन द विलेज, है ना, कुछ भी आपको जो भी मन करेगा आपको यहां तक का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। देयर सीम्स टू बी आगे कुछ भी बोलना है ना, लगता है कि वह डॉक्टर है तो देयर सीम्स टू बी और डॉक्टर, मतलब कुछ भी आप बोल सकते हैं, आपका यहां तक का जो स्ट्रक्चर जो है ये सेम रहेगा। देयर सीम्स टू बी आगे आपको जो भी बोलना आप बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एक एडवांस हुआ ये स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे देखेंगे देयर सीम्स टू बी नो डेवलपमेंट इन दिस विलेज, लगता है कि इस गांव में कोई भी प्रोग्रेस डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये बात आप बोल सकते हैं बिना कोई टेंस रटे हुए, है ना, अपने से बोल सकते हैं, है ना। तो याद रखेंगे देयर सीम्स टू बी, आगे जो भी आप बोलना है आप लगा सकते हो। ठीक है, देयर नीड्स टू बी, ठीक है, ऐसा कहीं लिखा रहेगा देयर नीड्स टू बी, ये वाला कहीं लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या होता है, होने की जरूरत, है ना। बोलते हैं ना यहाँ एक स्कूल होने की जरूरत है, यहाँ पर एक हॉस्पिटल होने की जरूरत है, ऐसा बोलते हैं ना जब लोग, तो इसको बोलना होगा तो बिना रटे उटे आप बोल सकते हैं ये फॉर्मूला से देयर नीड्स टू बी। ठीक है, बोल सकते हैं देयर नीड्स टू बी ए गुड हॉस्पिटल इन हाजीपुर, बोल सकते हैं देयर नीड्स टू बी ए क्रिकेट और प्ले ग्राउंड इन हाजीपुर, आप कुछ भी बोल सकते हो ये फॉर्मूला से। ये इस पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप, देयर नीड्स टू बी, है ना, और आगे आप कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं देयर यूज टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, हुआ करता था। आप बोल सकते हैं कि पहले मेरे यहाँ एक हाथ हुआ करता था, पहले मेरे घर पर दो दो कारें हुआ करते थे, है ना, पहले ये गांव में खुशहाली हुआ करती थी, है ना। तो ऐसा बोलना होगा तो आप कैसे बोलेंगे, उस फॉर्मूला का नाम क्या है, देयर यूज टू बी। ठीक है, आप बोल सकते हैं देयर यूज टू बी मेनी कार्स एट माई होम, है ना, पहले मेरे घर पर बहुत सारी कारें हुआ करती थी। ठीक है, देयर यूज टू बी लव एमंग द पीपल, पहले लोगों में क्या प्यार हुआ करता था, है ना, अब तो नफरत भर गया सब में, नहीं देखते हैं किसी में कोई प्यार मोहब्बत है ही नहीं, सब लोग झगड़ा उससे कर लेता है, कभी उससे कर लेता है। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहा है ये, देयर यूज टू बी लव एमंग द पीपल, तो हुआ करता था, ऐसा बात आपको कहीं बोलना होगा ये फॉर्मूला पे याद कर लेंगे देयर यूज टू बी। ठीक है, अब आगे देयर इज गोइंग टू बी, क्या बोला जी, देयर इज गोइंग टू बी, इसका मीनिंग क्या होगा, होने जा रहा है। बोलेंगे कि अगले महीने IPL होने जा रही है, अगले महीने मैं कार खरीदने जा रहा हूं, तो कुछ भी आपको बोलना होगा आप ऐसे बोल सकते हैं, फॉर्मूला है देयर इज गोइंग टू बी। ठीक है, तो बोल सकते हैं देयर इज गोइंग टू बी IPL इन नेक्स्ट मंथ, इजी, देयर इज गोइंग टू बी नथिंग इन द मीटिंग, मतलब आपको बस ये याद रखना है देयर इज गोइंग टू बी, और आगे आप कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, आगे आपको जो भी सेंटेंस बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं, मतलब ये आपका स्टार्टिंग हो गया ये। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। जय हो, जय हिंद।